सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विषभमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले तीन आजादी के बाद से प्रदेश में केवल दो एक्सप्रेस वे बन पाई थी, तीन वर्ष में तीन नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, आज सात एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 12 नए एयरपोर्ट पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। यह है प्रगति का मानक। एक लोग डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, इन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, इन लोगों का गरीबों का उत्थान और गरीबों का कल्याण अच्छा नहीं लगता है, किसानों के हित के लिए की जाने वाली योजनाएं इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए तो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी की घोषणा करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का दो गुना दाम किसान को मिले इसकी योजना बनाते हैं, ये सब के सब लोग किसानों को भड़काने के लिए सड़कों पर आकर के कुतर्क देकर के षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने इसी प्रकार के षड्यंत्र किए थे। तब राफेल के नाम पर इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोला था और अंततः आपने देखा होगा वही राफेल आज जब भारत के अंदर आता है, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता है, तो देश के दुश्मनों के दांत खट्टे होते हुए दिखाई देते हैं। यानी भारत एक समृद्ध भारत बने, भारत एक सुरक्षित भारत बने, यही तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है और यही कारण है कि लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में, गरीब के साथ षड्यंत्र करने में, किसान के साथ षड्यंत्र करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी जो विधेयक अभी संसद में पास हुए हैं, ये सभी विधेयक किसानों की पूरी सुरक्षा करने की गारंटी देते हैं। वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसान को अपनी उपज देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गारंटी देते हैं। लेकिन गलतफहमी पैदा करके ये लोग किस प्रकार का आडंबर करते हैं, किस प्रकार का पाखंड करते हैं, ये आपने क्षेत्र में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार इस धरती ने दिए। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भूमि है। मुझे पिछली बार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ जब उन्नाव के दौरे पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब हम लोगों ने निराला जी के नाम पर वहां पर एक स्मारक और भव्य पुस्तकालय निर्माण का शुभारंभ किया था। अनेक साहित्यकारों का, अनेक क्रांतिकारियों की धरती है, तो वही स्थिति हमारे लिए बागरमऊ विधानसभा से भी जुड़ा हुआ है। बागरमऊ विधानसभा में पिछले दिनों आया था जब हमने संविधान सभा के माननीय सदस्य रहे लोकसभा के पहले सांसद महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित बिशंबर नाथ त्रिपाठी जी के नाम पर उनको स्मरण किया था। उन्होंने इसी विधानसभा क्षेत्र में जन्म लिया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने वहां के पौराणिक शिव मंदिर का निर्माण किया, ठाकुर जसा सिंह जी इसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी और भारत की आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य किया था, गुलाब सिंह लोधी जी।